नेमावर हत्याकांड की पीड़ित भारती कासडे राजधानी पहुंची हैं और भारती कासडे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ पहुंची हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और सियासत में फिर नेमावर जो है हत्याकांड को लेकर ये गर्मा गई है सियासत। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह साथ में आए हैं, उनके राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और सूरज शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से नेमावर हत्याकांड का मामला था और लगातार उस पर जो परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है नहीं चाहती कि किसी भी आरोपी पे कार्रवाई हो, शायद यही वजह है कि लंबे समय से ये मामला टलता गया और अभी सरकार ने जिस तरीके से सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, लेकिन अभी ना तो वह राजपत्र में प्रकाशित हुई है और ना ही प्रकार कोई सरकार ने आदेश किए हैं। यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार की बेटी भारती है वो 1 जनवरी से न्याय यात्रा निकालते हुए आज वो राजधानी भोपाल में समापन करने पहुंची है, जहां पर उसने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो आदिवासी कार्यकर्ता हैं जो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे वो राजभवन पहुंचे और एक प्रतिनिधिमंडल उनके साथ राजभवन ज्ञापन देने पहुंचा है कि ताकि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए। साहिदा जी, सूरज, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन पहुंच चुकी है और कांग्रेस जो है पीड़ित के साथ राजभवन पहुंचा है और अब सीबीआई जांच को लेकर ये पीड़िता मांग कर रही है और इसी का ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा जाए।